हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, और इंग्लिश में आज हम देखेंगे वर्कबुक। वर्कबुक में से आज हम चैप्टर वन, जो हमने पोयम देखी थी फर्स्ट डे एट स्कूल, उसकी एक्सरसाइज है वो आज हम देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर की जो पोयम है पेज नंबर है 5, उसकी एक्सरसाइज वहाँ से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट तो हमें दिया है लुक, लिसन एंड रिपीट। तो यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं जैसे कि फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे कुछ हम वर्ड्स लिख लेते हैं, FIRST फर्स्ट, फिर है SCHOOL स्कूल, WONDER वंडर, फिर है ड्राइंग, DRAWING ड्राइंग, फिर है गुड, फिर है जस्ट, JUST जस्ट, फुल, FULL फुल, फिर है स्टेट्स, STARES, फिर है टीचर, TEACHERS टीचर्स, टीचर। ओके, फिर है लुक, LOOK लुक, मॉम, MOM मॉम, ग्रैंड मतलब हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो। फिर है पप्पी, तो पप्पी किसे कहते हैं, जो डॉगी का बच्चा होता है उससे। ओके, PUPPY पप्पी। फिर वेर, WHERE वेर। ओके, तो ये थे हमारे वर्ड्स। फिर है क्वेश्चन वन, राइट द करेक्ट ऑप्शन ABCD इन द बॉक्स। तो फर्स्ट हम देखेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है कि जो सही ऑप्शन है ABCD में से वो हमें सामने के जो बॉक्स दिया है वहाँ पे हमें लिखना है। तो फर्स्ट है आई वंडर इफ माई ब्लैंक विल बी एज गुड एज देयर्स। तो ए रीडिंग, बी सिंगिंग, सी ड्राइंग या डी राइटिंग। तो वो जो स्टूडेंट था उसे क्या गुड, उसको क्या, उसने क्या बनाया था, तो ड्राइंग बनाई थी ना उसने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फर्स्ट में आएगा सी मतलब ड्राइंग। ड्राइंग, ओके, और मैं यहाँ पे भी लिख रही हूँ सी। फिर नेक्स्ट पेज पे है आई वंडर इफ माई ब्लैंक विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। तो उसकी बच्चा क्या बोल रहा था कि मेरी जो क्या देखने वाली, टीचर, फ्रेंड, ग्रैंड मदर या मदर, वो किसके जैसे देखेंगे, मॉम और ग्रैंड। तो उसकी जो टीचर, ओके, तो ऑप्शन ए टीचर, टीचर, और बॉक्स में लिखेंगे ए। फिर है थर्ड नंबर, आई वंडर इफ माई ब्लैंक विल वंडर वेयर आई एम। तो ए मॉम, बी पप्पी, सी ग्रैंड या डी टीचर। तो कौन उसकी राह देख रहा होगा और वो सोच रहा होगा कि ये कहाँ पे गया, तो पप्पी उसका जो पैट था वो। तो आएगा PUPPY और बी। ओके, तो ये क्वेश्चन वन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम नीचे देखेंगे, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे पिक्चर्स दिए हैं, लुक, लिसन एंड रिपीट। तो वहाँ पे हमें कौन सा दिए, पहले तो जो ऊपर हमें ब्लैंक दी है ना, सॉरी ब्रैकेट में जो आंसर दिया है, जैसे कि हैप्पी है, सेकंड सैड, एंग्री, सरप्राइज, से एंड सैड। तो हमें सबके फेसेस अकॉर्डिंग उसका लिखना है। तो फर्स्ट, तो वो जो लड़का है वो कैसा, उसकी स्माइल की हुई है। तो फर्स्ट जो है ये क्वेश्चन टू, तो वो जो लड़का है वो बहुत ही हैप्पी है, आप देख सकते हो कि वो स्माइल कर रहा है, तो हैप्पी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हैप्पी। सेकंड, तो सामने वाली जो लड़की है वो, आप ये पिक्चर में देख सकते हो, तो उसका फेस कैसा है, एंग्री सा है ना, तो वो एंग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंग्री। ओके, फिर थर्ड, ये जो लड़की है वो सैड है, वो रो रही है, यहाँ पे ले आएगा सैड, SAD सैड।
फिर फोर्थ, तो वो लड़का सरप्राइज हो रहा है, अगर हमें कोई सरप्राइज देता है या हमारे मम्मी पापा फ्रेंड्स ऐसे हमारे लिए ऐसी कोई चीज़ लाते हैं हमें बिना पूछे, तो हम उसे देख के सरप्राइज हो जाते हैं ना, खुश हो जाते हैं, तो वही फोर्थ में आएगा सरप्राइज। फिफ्थ है, तो फिफ्थ में वो लड़का डर गया है, ओके, तो आएगा स्क्रैर, SCARED। फिर सिक्स, तो वो से मतलब वो लड़की शर्मा रही है, हमारे घर पे कोई मेहमान या फिर कोई आता है तो हम मम्मी के पीछे या बेडरूम में ही बैठे हुए हम शर्माए हुए अंदर ही रहते हैं ना, उसके सामने नहीं आते, वैसे ये लड़की शर्मा रही है, मतलब से SHY, ओके, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर लास्ट सॉरी सामने वाला पेज है पेज नंबर 7, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो वहाँ पे हमें दिया है लुक एट द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, तो यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए हैं ऊपर ब्रैकेट में, सिटिंग, स्टैंडिंग, रनिंग, जंपिंग, स्किपिंग, वॉकिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, रीडिंग, कटिंग, राइटिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, पुलिंग, पुशिंग, किकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, क्लैपिंग, लाफिंग एंड रीडिंग। तो यहाँ पे ऊपर हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, बट हमें क्या करना है, जो पिक्चर दिया है, हमें बहुत सारे पिक्चर्स दिए हैं, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी वर्ड्स वहाँ पे जो सही है वही हमें लिखना है। तो फर्स्ट है, तो जो लड़का फर्स्ट है वो क्या कर रहा है, तो वो खड़ा है, मतलब स्टैंडिंग, तो आएगा STNDING, स्टैंडिंग। फिर सेकेंड है, तो वो जंप कर रहा है, ओके, तो सेकेंड में आएगा जंपिंग। जंपिंग थर्ड है, तो वो लड़का चल रहा है, तो वॉकिंग, तो थर्ड पे आएगा वॉकिंग। फोर्थ है, तो फोर्थ पे जो वो लड़का है वो थ्रोइंग, वो बॉल को फेंक रहा है, मतलब थ्रोइंग। फिर फिफ्थ वाला है, तो वो लड़का बॉल को कैच कर रहा है, मतलब कैचिंग। ओके, फिर सिक्स, तो सिक्स नंबर पे वो लड़की क्या कर रही है, रीडिंग कर रही है, तो वहां पे आएगा रीडिंग। सेवन नंबर पे है, ओके, फिर सेवन नंबर पे है वो लड़का क्या कर रहा है, खा रहा है, ओके, तो ईटिंग, तो सेवन नंबर पे हम लिखेंगे ईटिंग। एट नंबर पे है वो लड़की क्या कर रही है, पानी पी रही है, मतलब ड्रिंकिंग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रिंकिंग। फिर नाइन नंबर पे एक लड़का जो है वो बॉल को किक कर रहा है, तो नाइन नंबर पे आएगा किकिंग। फिर है टेन, जो नेक्स्ट पेज पे है वो क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंगिंग का स्पेलिंग है यहाँ पे, तो यस, कौन सी लाइन में है सिंगिंग का स्पेलिंग, लास्ट वाली लाइन में, सेकंड नंबर का। फिर है 11 वाला, तो वो लड़की क्या कर रही है, बैठी है, SITING, सिटिंग। 12, तो वो लड़का क्या कर रहा है, रन कर रहा है, तो मतलब रनिंग।
13 नंबर पे तो वो लड़का होमवर्क कर रहा है, मतलब राइटिंग। और लास्ट जो पिक्चर है वो लड़की क्या कर रही है, यस वो सिपिंग, मतलब यहाँ पे हमें कौन कितने वर्ड्स लिखे हैं, तो सिटिंग वो हमने लिख लिया, स्टैंडिंग वो भी लिख लिया, रनिंग, जंपिंग, स्किपिंग। तो स्किपिंग वो लड़की क्या कर रही है, नो वो लड़की लाफिंग, वो हंस रही है, और या फिर डांसिंग, वो हंस भी रही है, डांसिंग कर रही है। तो बट हम क्या लिखेंगे, डांसिंग, क्योंकि वो लड़की डांस कर रही है। ओके क्योंकि डांसिंग और लाफिंग दोनों आ सकता है, क्योंकि वो लड़की स्माइल हंस भी रही है, स्माइल भी कर रही है। ओके तो बट यहाँ पे वो पूरा हमें पिक्चर दिखाया है, और यहाँ पे उसने एक लेग ऊपर भी किया हुआ है, मतलब वो डांस कर रही है। ओके तो यहाँ पे हमारे 1 से लेके 14 तक जितने भी पिक्चर्स थे वो कंप्लीट हो गए। तो कितने थे, फर्स्ट में थे स्टैंडिंग, जंपिंग, वॉकिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, रीडिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, किकिंग, सिंगिंग, सिटिंग, रनिंग, राइटिंग एंड डांसिंग। ओके तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 जो पोएम थी उसकी जो एक्सरसाइज थी वर्कबुक में से वो हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 जो है स्टोरी, वो हम टेक्स्ट बुक में से देखेंगे।